हेलो एवरीवन। तो लेकर आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का। आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा। पिछले क्लास में मैंने बात किया था यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, उससे पहले मैंने बात किया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो पिछले क्लास में मैंने ओवरऑल क्या बात किया था, फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बात किया था। आज हम बात करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, और डायमेंशन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन में कर सकते हैं, कोई भी मेरे पास इक्वेशन का करेक्टनेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इक्वेशन करेक्ट है या गलत है या सही है, इसके बारे में भी हम डायमेंशन के हेल्प से हम बता सकते हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। चलो हेडिंग डालते हैं। डायमेंशन के बाद से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, आज क्या बात करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या होता है। तो ये क्या होता क्या है, ये क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या बोलता है, द डायमेंशन ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी बोलता क्या है, सुनो, ये क्या बोलता है, द डायमेंशन ऑफ इच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, मान लो 0 के बराबर है, तो ये जितना सारा टर्म है, ए जो है मेरे पास जो बी है, मेरे पास जो सी है, एक इक्वेशन में हर एक टर्म का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या बोलता है, द डायमेंशन ऑफ इच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। एक मेरे पास इक्वेशन होगा, इक्वेशन में हर एक एक टर्म यहाँ पर दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हर एक टर्म का जो डायमेंशन आना है वो किसके बराबर, वो क्या होगा, आपस में सेम होगा। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी बोल सकते हैं, वी कैन ऐड या सब्ट्रैक्ट ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जब हम ऐड करने जाएंगे तो हम एक ही टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला क्या, मेरे पास ना हमने टाइम का जो मेजरमेंट किया, तो मैंने बोला क्या, यहाँ पर 5 सेकेंड के बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 सेकेंड। अब मैंने बोला क्या, लंबाई को मैंने मेजर किया, तो मैंने बोला 2 मीटर है, तो क्या हम 5 सेकेंड में 2 मीटर को क्या हम ऐड कर सकते हैं, ये किसका यूनिट है, सेकेंड जो है मेरे पास एक टाइम का यूनिट है, किसका यूनिट है, ये टाइम का यूनिट है, सेकेंड, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, और ये जो मीटर है जो लंबाई का यूनिट हो जाएगा हमारा, लेंथ मीटर। तब बताओ तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, सेकेंड है, जबकि ये क्या हमारा मीटर जो कि लंबाई का यूनिट है हमारा। तो क्या हम कभी भी ऐसा सुने हैं कि 5 सेकेंड में 2 मीटर को ऐड कर दो, या कभी हम ऐसे सुने हैं कि 2 मीटर, मान लो मेरे पास कोई भी चीज़ का मेजरमेंट है और मैंने क्या किया, 500 किलोग्राम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हो जाएगा मास का यूनिट, ये तो किसी रॉड का या किसी भी चीज़ का क्या होगा, ये मेजरमेंट लंबाई का मेजरमेंट है हमारा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं, दोनों एक ही है। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी बताता है, द डायमेंशन ऑफ इच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। इसका जो डायमेंशन होगा, कोई भी एक इक्वेशन में जब कोई भी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हम 2 मीटर में 500 किलोग्राम को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन ऐड, हम केवल ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, एक ही टाइप के भौतिक राशि को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही हमारा बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी।
मतलब एक समान, मतलब एक समान फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ के फायदा क्या होगा, तो इससे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम कोई भी इक्वेशन मेरे पास दिया रहेगा, बोले करेक्ट करेक्ट इक्वेशन है कि फॉल्स इक्वेशन है कि राइट इक्वेशन है उसको तुम पता लगाओ, तो हम इसके हेल्प से कर लेंगे। दूसरा मान लो कोई भी यूनिट का कन्वर्जन आएगा, जैसे बोले, जैसे मैंने बोला क्या, एक न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, ठीक है, मतलब ऐसा यूनिट से CGS में कन्वर्ट करो, तो हम इसके हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम ऊपर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसमें किस टाइप का क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो मान लो, जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे करके आ गया, जैसे मान लो मैंने बोला क्या, डिटरमाइंड, ऐसा क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में, डिटरमाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी का डायमेंशन निकालना है। कुछ इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा, जैसे मान लो मेरे पास क्या, एक्स बराबर ए प्लस बी इंटू टी, सही है। अब उन्होंने क्या बोला, इस इक्वेशन में क्या करो, ए और बी का क्या निकालो, डायमेंशन बताओ, ठीक है, ए और बी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो अभी जस्ट मैंने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, कोई भी सिमिलर फिजिक, अगर मान लो मेरे पास अगर कोई भी क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ मैंने, वी कैन ऐड या सब्ट्रैक्ट ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, या ऐसे मैंने लिखा था कि मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है, तो इच टर्म का डायमेंशन क्या होगा, आपस में सेम होगा, इच टर्म का डायमेंशन क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन दिख रहा है, इसको सबसे पहले क्या करना, कुछ इस तरीके से लिख लेना। देखो तो यहाँ पे x माइनस ए माइनस बी इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो। यहाँ पे कुछ टर्म और तुमको देखने को मिलेगा, दिया हुआ रहेगा कि x जो है यहाँ पे, x स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, x यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वो तुमको दे कर रखेगा क्वेश्चन में, x टेंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, और t टेंड्स फॉर यहाँ पे दिया हुआ टाइम, t टेंड्स फॉर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम। हमको पता है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या, एक लंबाई है, लंबाई का डायमेंशन हमने पढ़ा था एल, और टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है बताओ, टी, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी, सही है। ये तुमको गिवन रहेगा, डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो उसका डायमेंशन हमको पता है, सही है। अब यहाँ पर देखो, तो ये मेरे पास मान लो एक्स है, ये मेरे पास मान लो यहाँ पे ए है, ये मेरे पास क्या है, बी टी है। अब मैंने यहाँ पर बोला कि अगर मान लो x जो है, x क्या है यहाँ पे, x जो है यहाँ पे वो क्या, एक डिस्प्लेसमेंट है, x यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, हमको पता है l। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को ही हम डिस्प्लेसमेंट में ऐड कर सकते हैं, यही तो बोला था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वी कैन ऐड या सब्ट्रैक्ट ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, या इच इक्वेशन, मतलब इक्वेशन का जो इच टर्म होगा, इच टर्म ऑफ एन इक्वेशन विच हैविंग सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, या विच हैविंग सिमिलर डायमेंशन। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स फॉर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जो किसके बराबर, यहाँ पे एल के बराबर है। तो बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो एक्स का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए बोल सकते हैं, क्योंकि सबका डायमेंशन सेम होगा यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ ए के बराबर। तो बताओ यहाँ से ए का डायमेंशन क्या होगा, तो हमको पता है डायमेंशन ऑफ एक्स क्या था, बताओ तो यहाँ पर एल के बराबर, तो ए का डायमेंशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल के बराबर। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम जीरो एल वन और टी क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो के बराबर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए, ए का डायमेंशन निकल गया। अब बी का निकालना है, किसका निकालना है, अब यहाँ पे बी का। तो बताओ ये जो एक्स यहाँ पे है, एक्स हमारा क्या था बताओ, तो यहाँ पे डायमेंशन एक्स जो यहाँ पे था वो कैसे क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है बताओ, एल, सही है। तो बताओ, तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो इच टर्म ऑफ एन इक्वेशन क्या होगा, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, x और bt का डायमेंशन यहां पे क्या होगा, सेम होगा, यानी डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ
डायमेंशन ऑफ बी टी, डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे बी टी, सही है। अब बताओ तो x का डायमेंशन क्या मैंने देखा था, बताओ तो l के बराबर है, l बराबर डायमेंशन ऑफ bt, हमको b का डायमेंशन चाहिए, हमको टाइम का डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे t, तो क्या करेंगे बताओ तो b इंटू क्या हो जाएगा टाइम का डायमेंशन t, ठीक है। अब हम b का यहाँ से निकालेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो यहाँ पे l डिवाइडेड बाई t, यानी क्या हो सकता है एल टी माइनस वन, या कंप्लीटली इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन तुम घूमेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिटी जब पढ़ेंगे तभी इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, तो जल्दी इसको नोट करो, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे देंगे हम, जल्दी नोट करो इसको, इसमें आगे बढ़ते नोट कर लेना इसको। चलो अब कुछ और क्वेश्चन इसमें करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी के बेस पे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे डिटरमाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, मान लो ए और बी का डायमेंशन पूछा है, कुछ अलग इक्वेशन दे के रखेगा, मान लो कुछ ऐसा इक्वेशन है एक्स बराबर ए प्लस बी टी, इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं, ऐसा इक्वेशन है, यहाँ पे बोला है कि एक्स टेंड्स टू डिस्प्लेसमेंट शायद ले लिया था वहाँ पे ना, हाँ एक्स टेंड्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो वैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, एक्स के जगह क्या कर लो भी रख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स टेंड्स पर यहाँ पर ये भी क्या रख लेते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी, ठीक है, भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं वेलोसिटी, तो भी टेंड्स पर क्या हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी, और टी टेंड्स पर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, टी टेंड्स पर टाइम, सही है। अब हमको क्या बोला है ए और बी का डायमेंशन निकालना है, तो बताओ तो इसको मैं ऐसे कर ले वी माइनस ए माइनस बी टी इजिकल टू जीरो, तो एक इक्वेशन बन गया, हमको पता है डायमेंशन ऑफ इच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, एक इक्वेशन में जो इच टर्म का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा सेम होगा, हमको पता है वी यहाँ पे क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है बताओ तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट एक लंबाई होता है, लंबाई का क्या लेते हैं हम लोग बताओ एल, टी हो जाएगा यहाँ पे, यानी एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन किसका हो जाएगा ये वेलोसिटी का, और टाइम का हमको पता है क्या होता है टाइम का टी, ठीक है। तो बताओ भी का डायमेंशन पता है, यानी डायमेंशन ऑफ भी किसके बराबर होगा बताओ, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ भी जो होगा वो किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ ए के बराबर, क्योंकि इच टर्म का डायमेंशन क्या होगा सेम होगा, डायमेंशन ऑफ ए के बराबर। अब बताओ v का डायमेंशन कितना है, यहाँ से देख लो एल टी माइनस वन, तो जो v का डायमेंशन होगा वही क्या हो जाएगा यहाँ पे एल टी माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ a, सिंपल, सही है। दूसरा अब हम b का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो बताओ b जो v का डायमेंशन होगा वही bt का डायमेंशन होगा, यानी डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, सही है। हमको b का निकालना था, b का हमको पता है क्या होता है lt माइनस वन, तो ये lt माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b इंटू टाइम का क्या होता है t, तो b का निकाल लेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा lt माइनस वन और डिवाइडेड बाई t, ठीक है। t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t का माइनस टू, ओवरऑल हो जाएगा lt माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। इस तरीके से तुमको क्वेश्चन मिलेगा, a का डायमेंशन ये और b का डायमेंशन ये निकल गया, चलो सही है, जल्दी नोट करो, हम उसको ऊपर करेंगे अभी, और इसमें कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखो जल्दी इसको नोट कर लो। देखो तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें हम, मान लो मेरे पास कुछ ये है x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब डिवाइडेड बाय ई प्लस टी। एक मेरे पास मान लो रेंडमली मैंने एक क्वेश्चन लिया x बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब डिवाइडेड बाय ई प्लस टी, सही है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे कि a का b का c का d का और e का क्या बताना है, डायमेंशन बताना है। अब ये क्वेश्चन कब कर पाएंगे, जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजिटी हमको पता होगा, इसका क्या बताना, डायमेंशन बताना है। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ तुमको मिलेगा, जो x जो दिया हुआ है x टेंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट
सही है। टी टेंड्स फॉर क्या है पे? टी टेंड्स फॉर टाइम, टी यहाँ पे क्या है? टाइम। चलो टाइम का तो पता है क्या होता है टी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट लंबाई का क्या होता है? एल, एल टी, साइड में रख दिया मैंने उसको। अब इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे थे, देखो तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे क्वेश्चन है हमारा ये। अब बताओ तो हम इसको थोड़ा इधर कर ले, इधर थोड़ा ले आते हैं हम तो, कर लो थोड़ा इसको, क्वेश्चन को थोड़ा मिस साइड कर लेते, एक साइड ले आएंगे हम तब सॉल्व करते। एक्स माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? डी टी क्यूब डिवाइडेड बाय ई प्लस टी। सही है। अब बताओ तो x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो बताओ तो जो x का डायमेंशन होगा वो किसका डायमेंशन होगा? a का डायमेंशन होगा, यानी डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, सिंपल। डायमेंशन ऑफ a, और x का डायमेंशन कितना है? t, तो a का डायमेंशन कितना हो जाएगा? a का x का डायमेंशन l है, तो a का डायमेंशन कितना हो जाएगा? l। तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं हम? a का डायमेंशन m जीरो l वन t जीरो, दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। ए का डायमेंशन यहाँ लिख लो, एम जीरो एल वन टी जीरो, ठीक है, ए का डायमेंशन निकल गया। अब चाहिए हमको बी का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, ए का डायमेंशन निकल गया, इसको ए मान लेते हैं ऐसे करके। अब बी चाहिए हमको बी का डायमेंशन, तो बताओ तो हम एक्स एक्स का जो डायमेंशन होगा बी टी का डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। सही है। तो क्या हो जाएगा बताओ तो? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एक्स, यानी डायमेंशन ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी, डायमेंशन ऑफ बी टी। सही है। डायमेंशन ऑफ एक्स हमको पता है क्या है, किसके बराबर बताओ तो? एल के बराबर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? बी इंटू टी, और टी का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी। बताओ बी का निकल गया ना यहाँ पे, बताओ तो बी बराबर क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। ओवरऑल क्या लिख सकते हैं बी का डायमेंशन यहाँ पे? एम जीरो एल वन टी माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी। सही है। अब चाहिए क्या हमको बताओ तो? यहाँ पे द डायमेंशन ऑफ सी चाहिए हमको, तो डायमेंशन ऑफ सी कब निकालेंगे बताओ? हमको एक्स का डायमेंशन पता है, सी टी का डायमेंशन इसके बराबर होगा। इच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, डायमेंशन ऑफ इच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, तो डायमेंशन एक्स का होगा वही क्या होगा यहाँ पे? सी टी स्क्वायर का, तो रख लो यहाँ पे सी नंबर। डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, सी टी स्क्वायर। अब बताओ डायमेंशन ऑफ एक्स हमको पता है किसके बराबर? एल के बराबर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा बताओ? सी इंटू टी का स्क्वायर, तो सी का डायमेंशन यहाँ से निकाल दो, सी बराबर क्या हो जाएगा? एल, और टी नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ सी। ऐसे करके क्वेश्चन तुमको मिलेगा। अब चाहिए डी का डायमेंशन, तो डी का निकालते हैं। चलो डी नंबर, डी का डायमेंशन चेक करते हैं। अब बताओ तो डी का निकालना है, तो हमको पता है यहाँ पे ये वाला डी का निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख लें कि एक्स का जो डायमेंशन होगा वो पूरा टर्म का डायमेंशन होगा, पहले ये मान लेते हैं हम, ठीक है? जो एक्स का डायमेंशन होगा वो ये पूरे टर्म का डायमेंशन होगा, क्योंकि ये डायमेंशन ऑफ इच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, तो लिख लो यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ एक्स होगा यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी स्क्वायर, डी टी क्यूब, डी टी क्यूब डिवाइडेड बाय ई प्लस टी। सही है। अब इसमें कुछ और हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, देखो तो डी टी क्यूब है यहाँ पे क्या? ई प्लस टी। बताओ नीचे में अगर टाइम है तो टाइम में किसको हम ऐड कर सकते हैं? टाइम को ही ऐड कर सकते हैं, अभी बताया था मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, टाइम में हम टाइम को ही ऐड कर सकते हैं। तो बताओ ई जो हमारा होगा वो क्या होगा यहाँ पे? टाइम ही तो होगा, ई क्या होगा हमारा? टाइम होगा। तो हम सिंपली यहां से ई का डायमेंशन यहीं पे क्लियर कर लेते हैं हम, जो डायमेंशन ऑफ, अभी नोट करके यहां पे साइड में लिख लेना, यहां पे डायमेंशन ऑफ जो ई होगा हमारा वो किसके डायमेंशन के बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ टी के बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ टी। तो यहां पे जो ई का डायमेंशन होगा वो क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम जीरो एल जीरो टी वन, ई का डायमेंशन निकल गया। देखो ई का भी डायमेंशन निकल गया हमारा, जो ई का पूछा ये भी निकल गया, सी भी निकल गया, ए भी, बी भी निकल गया, और ए भी निकल गया, बच गया डी। अब हम इस डी का निकालना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे ई का जो डायमेंशन है वो जो किसका डायमेंशन है? टी के डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि हम टाइम में टाइम को ही ऐड कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सही है। इसको ऊपर आउट ले जा रहे हैं हम। अब हमको चाहिए ये वाला टर्म, हमको चाहिए डी का डायमेंशन, ई का तो निकल गया, तो डायमेंशन हमको चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स का डायमेंशन क्या बताओ तो? ऊपर से एक डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ एल
आगे आगे बढ़ रहे हो, एक्स का क्या हो जाएगा एल बराबर, हमको डी का निकालना, तो डी का ऊपर रहने देते हैं इंटू टाइम, टाइम का कितना हो जाएगा बताओ, तो टी के पावर थ्री, टी का पावर कितना हो जाएगा थ्री, क्योंकि टी यहाँ पर टाइम है, बोल दिया टी टेंड्स फॉर टाइम। ई यहाँ पे क्या है, टाइम ही है, टाइम को टाइम में जब ऐड करेंगे तो बताओ ये सब, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, टाइम ही तो हो जाएगा टाइम, ये भी टाइम, तो टाइम में तो है पूरा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा पूरा नीचे वाला यूनिट का, नीचे वाला टर्म का क्या हो जाएगा टाइम, तो टाइम रख लो यहाँ पर टी, तो डी का निकालना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एल टी डिवाइड बाई टी के पावर थ्री, तो ओवरऑल ये पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल, एक टी से टी कट गया तो क्या हो जाएगा टी के पावर माइनस टू, यानी एल टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ डी। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा हमको, ए बी सी डी कोई इक्वेशन दे देगा, बोलेगा ए बी सी डी का डायमेंशन बताओ, तो यहाँ से कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी नोट कर लो। चलो इसमें एक और क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन करते देखो। तो मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है पी बराबर, मेरे पास मान लो कि इक्वेशन है पी बराबर ए माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी, ए माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी, आइए बोल रहा है क्या, पी जो है यहाँ पे पी टेंड्स फॉर प्रेशर, पी टेंड्स फॉर प्रेशर, ठीक है, टी टेंड्स पर यहाँ पर दिया हुआ टाइम, तब ये क्या बोल रहा है निकालो तुम क्या, ए एंड बी का क्या निकाला है डायमेंशन निकालना है। चलो करते हैं इसको हम, ए एंड बी का क्या निकालना है यहाँ से, डायमेंशन निकालना है। तुमको पता ये पहली बात है कि इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन कभी भी इक्वेशन मिलता है तो इस टर्म को इधर ले आए, हमको पी दिया हुआ प्रेशर है, टी क्या दिया हुआ है टाइम है, और ए बी जो है हमारा कांस्टेंट जो है उसका बोलता है डायमेंशन बताने के लिए, कोई भी टर्म होगा यहाँ पर उसका क्या बोला ये डायमेंशन बताने के लिए। चलो सही है, कांस्टेंट नहीं यहाँ पे एक तो टर्म होगा जो टाइम से जुड़ा हुआ उधर, तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम ए और बी का डायमेंशन, चलो निकालते हैं। अब देखो तो अभी इस इक्वेशन को ना थोड़ा मिस साइड ले आते हैं, तभी तो बराबर की इक्वेशन बन जाएगा, बराबर क्या रख देंगे जीरो, तो क्या हो जाएगा पी माइनस ए माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, एक इक्वेशन है बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, सही है। अब ये प्रेशर है तो बताओ ये भी टर्म क्या होगा प्रेशर के बराबर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ दिस टर्म, डायमेंशन ऑफ ए माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी, हम लिख सकते हैं जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। अब बताओ तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, हमको पता है प्रेशर बराबर क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में देखा था फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, अब फोर्स का डायमेंशन मैंने बताया था वहाँ पे एम एल टी माइनस टू, तुम निकाल लेना चेक कर लेना, एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, एक्सेलरेशन का क्या होता है एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए एक्सेलरेशन होता है वहाँ पे, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या है एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक लंबाई होता है, लंबाई का क्या लेते हैं बताओ तो एल स्क्वायर, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा बताओ तो हमारा एम, एक एल से एक एल काट देते तो नीचे एक एल बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा एल माइनस वन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब बताओ प्रेशर का डायमेंशन हमको पता है तो इसका निकालना है, था रुको यहाँ पे, अब हमको चाहिए इसका डायमेंशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या ऐसे कर सकते हैं, देखो तो ये दोनों टर्म को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बोला था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द डायमेंशन ऑफ इच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, तो इसमें हम कोई भी टर्म को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा, तो हमको पता टी यहाँ पर टाइम है, तो टाइम का इक्वेट क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, इसका डायमेंशन, तो ये अगर टी स्क्वायर है तो ए का भी डायमेंशन क्या होगा टी स्क्वायर ही होगा। अब बताओ तो यहाँ पे जो डायमेंशन हमारा होगा, चलो अब यहाँ से थोड़ा हम इसको ए मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, यहाँ से बी में हमको क्या निकल गया ए का डायमेंशन निकल गया, यानी डायमेंशन ऑफ ए हम ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों टर्म का फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन दोनों का क्या होगा सेम, तो टी का हमको पता है क्या होता है टी का पावर टू, तो ए का क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ए का डायमेंशन पता चल गया। अब यहाँ से हमको बी का निकालना, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, देखो तो हमको प्रेशर का पता है कितना होगा, प्रेशर का डायमेंशन एम एल का पावर माइनस वन टी का पावर माइनस टू, ये तो हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन बराबर,
हमको एक ये एक इस टर्म का ऊपर वाला टर्म का डायमेंशन पता है किसका किसके बराबर है वो टी स्क्वायर के बराबर, टी स्क्वायर के बराबर। तो हम क्या यहाँ से क्या बी का डायमेंशन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं हम? बी बराबर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। तो ए और बी का डायमेंशन हम इक्वेशन के लिए हम निकाल दिए यहाँ पे। इस टाइप से क्वेश्चन तुमको मिलेगा, कर लेना। अब हम क्या बात करेंगे, हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ इसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से भी कुछ क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो चलो आज हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। चलो इसको हम ऊपर कर रहे हैं। चलो अब हम बात करते हैं यहां पे क्या प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ या यूजेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूज उसका यूज करके क्या क्या और कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहला क्या बोलता है ये, इट इज यूज्ड, इसका यूज क्या था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं हम लोग, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू चेक, इट इज यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस, द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, या इट इज यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई भी चीज़ का अगर फार्मूला दिया हुआ है तो वहां पे क्या कर सकते हैं, उस फार्मूला को हम करेक्ट मतलब चेक कर सकते हैं, करेक्ट है या सही है या गलत। इट इज यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, ठीक है। कैसे करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज क्या है, तो पहला बात करेंगे इट इज यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। कोई भी मेरे पास मान लो फार्मूला दिया हुआ, बोलेगा ये फार्मूला सही है या गलत है, तो इसके बारे में ये बताएगा सही है कि गलत है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे मान लो मेरे पास क्या ये है, भी बराबर मान लो यू प्लस ए टी है, भी बराबर क्या है यू प्लस ए टी। एक मेरे पास मान लो फॉर्मूला ये है भी बराबर यू प्लस ए टी, भी यहाँ पे जो दिया हुआ भी बराबर यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा हमारा, यू भी यहाँ पे क्या है एक वेलोसिटी है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तुम लोग पढ़ा होगा, भी बराबर यू प्लस ए टी। ए यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन, ए यहाँ पे क्या त्वरण, टी टेंड्स फॉर टाइम, सही है। अब हमको पता है, ये मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, मेरे बोला ये फॉर्मूला सही है ये गलत तुम बताओ, तो हम इसका इसमें क्या करेंगे, हम डायमेंशन यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, अगर मान लो इस ये अगर वेलोसिटी है तो जो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा, वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता बताओ, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी भी हम पर पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो एल, टाइम का क्या होता है टी माइनस वन, ये हो जाएगा वेलोसिटी का डायमेंशन। तो अगर इसका डायमेंशन एल टी माइनस वन है तो हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। अगर ऐसा आ रहा है तो दिस इक्वेशन या दिस फॉर्मूला करेक्ट, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, यह फॉर्मूला हमारा क्या है सही है, सही है। जैसे मान लो यू का निकालते हैं, यू भी हमारा क्या एक वेलोसिटी ही है, u भी यहाँ पे क्या एक वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ एल टी माइनस वन, ठीक है। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, या एक्सेलरेशन मैंने पढ़ा था वहाँ पे क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसे मैंने पढ़ा था एक्सेलरेशन बराबर क्या था वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का क्या होता बताओ यहाँ पे एल टी माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा नीचे में टाइम, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा देखो, तो यहाँ पर टी माइनस वन, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, सही है एल टी माइनस टू, एक मिनट को, चलो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। अब हमको इस टर्म का निकालना है, ए टी का निकालना है, ए टी का डायमेंशन को किसके बराबर चाहिए यहाँ पे एल टी माइनस वन के बराबर चाहिए, तभी तो बोलेंगे ये इक्वेशन हमारा सही है। तो ए टी का निकालना, चलो तो ए हमारा क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू, और टी यहाँ पे क्या टाइम, तो टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं टी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन के तो बराबर ही तो आएगा,
तो बताओ डायमेंशन ऑफ इच टर्म मस्ट बी सेम, तो सबका डायमेंशन, हर एक टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो मैंने बोला वी बराबर यू प्लस ए टी, क्या सही है गलत है? तो मैंने बोला क्या सही है, यानी कोई भी फॉर्मूला करेक्ट है इसके बारे में क्या करता है, वो चेक करके बताता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे एक और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, देखो तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने बोला क्या एस एस बराबर यू टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस स्टैंड फॉर डिस्टेंस, यू टेंड्स फॉर वेलोसिटी, टी टेंड्स फॉर टाइम, ए टेंड्स फॉर यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन, सही है। आपने बोला क्या डायमेंशन ऑफ इच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, तो जो s का डायमेंशन होगा वही ut का डायमेंशन होगा, वही क्या होगा यहाँ पे at स्क्वायर का डायमेंशन होगा, सही है। चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो s का डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है बताओ, लेंथ लंबाई l के बराबर होगा, सही है। ut किसके बराबर होगा, ut का जो डायमेंशन होगा किसके बराबर आना चाहिए, l के बराबर आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। u यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन, टाइम का क्या हो जाएगा t, तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर होगा, ये एल के बराबर ही तो होगा, यानी ut का डायमेंशन भी क्या है एल के बराबर है। हाफ ए टी स्क्वायर का निकालते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन, ये हमारा एस का हो गया, ये मेरा यू टी का हो गया, अब इसका निकाल रहे हैं। हाफ इंटू एक्सेलरेशन का पता है, बताओ क्या होता है एक्सेलरेशन का, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर नीचे ये जाएगा नीचे, तो नीचे से नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, एल तो बचेगा केवल, यानी इसका भी डायमेंशन L, इसका भी डायमेंशन L, इसका भी डायमेंशन L, यानी ये इक्वेशन क्या है हमारा सही है। इसमें एक गड़बड़ी क्या बता दे रहे हैं, ये जो है ना केवल ऊपर ऊपर से बताता, जैसे इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा L, इसका डायमेंशन L, इसका डायमेंशन L, हम कांस्टेंट का नहीं लेते, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर मान लो यहाँ पे कांस्टेंट मान लो 5/2 रहता मान लो, अब मैंने बोलता क्या इक्वेशन सही है, तो तुम बोलता बिल्कुल सही है, तो ये केवल ऊपर ऊपर से बताता, डायमेंशन वाला केवल बात करता है, ये कांस्टेंट जब वगैरह जब आता है तो बात नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे होगा 10/2 दे देते, तब बोलते क्या ये इक्वेशन सही है, तो तुम बोलता बिल्कुल सही है, क्योंकि सबका डायमेंशन तो सेम ही आना है ना, तो ऊपर ऊपर से ये बात बोलता है, तो इसी को बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इट इज यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन या फॉर्मूला, सही है। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, एक और एग्जांपल ले ले, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो तो यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास टाइम पीरियड है, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब तीसरा नंबर, पहला दूसरा हो गया तीसरा, टाइम पीरियड टी बराबर क्या होगा, टू पाई अंडर रूट, टू बाय अंडर रूट क्या होता है एल बाई जी, है ना, एल बाई जी, तुम लोग पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, ये होता है टाइम पीरियड, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेगा आगे। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, मैंने बोला क्या ये इक्वेशन सही है कि गलत, तुम चेक करो सही है या गलत है, तो सही है गलत कब बता सकते हैं हम, जब इधर का जो मेरे पास जो डायमेंशन आएगा वो इधर के डायमेंशन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो टी टी यहाँ पे क्या, टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी, ये तो होता है यहाँ पे, टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी, इस फॉर्म का डायमेंशन क्या होगा टी के बराबर आना चाहिए, चेक कर लेते हैं, टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, टू पाई यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो इसको तो लेंगे नहीं, अंडर रूट लेंथ क्या होता है लेंथ, लेंथ लेंथ लंबाई एल, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू ये ऊपर जाएगा, बताओ L से L कट जाएगा हमारा, तो बताएगा क्या टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा T के बराबर, तो सही में क्या आ रहा है T के बराबर आ रहा है। गलत क्या है यहाँ पे, मान लो 2 पाई की जगह पे कोई 10 पाई अगर दे देता तब बोलता क्या यह इक्वेशन सही है, तुम तब पर ही बोलता, तभी भी बोलता क्या यह इक्वेशन क्या है सही है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है ना ऊपर ऊपर से बताता है, ठीक है, केवल डायमेंशन वाइज एनालिसिस करता, सही है। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा है इसमें, अब सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। देखो तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इट इज यूज टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट कन्वर्जन में, जैसे मान लो मेरे पास ना ऐसा यूनिट में कोई ऐसा यूनिट सिस्टम में कोई भी टर्म दिया रहेगा, बोलेगा क्या उसको तुम CGS यूनिट सिस्टम में क्या करो कन्वर्ट करो, मतलब ऐसा यूनिट सिस्टम से क्या करना है CGS यूनिट सिस्टम में क्या करना है कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या कर सकते हो इसका हेल्प ले सकते हो,
जैसे मान लो मैंने कुछ एग्जांपल दिया, मैंने बोला क्या, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है बताओ। एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन के बराबर होता है। हमको पता न्यूटन क्या होता है, फोर्स का एक ऐसा यूनिट है। फोर्स का क्या होता है, ये न्यूटन ऐसा यूनिट होता है। डाइन क्या होता है, उसका सीजीएस यूनिट होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने और लिया यहाँ पे कि मान लो मेरे पास क्या है, एक जूल है। एक जूल में, एक जूल का क्या क्या मैंने मान लो वर्क किया, ये इनर्जी या वर्क का यूनिट होता है 1 जूल। ठीक है, तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 10^7 अर्ग के बराबर। अर्ग यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीजीएस यूनिट होता है। तो तुमको क्या पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तुमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। 10^5 हमको पता है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। एक जूल बराबर कितना होता है, 10^7 अर्ग। तो ये ऐसा यूनिट सिस्टम, ये क्या है, सीजीएस यूनिट सिस्टम है। ऐसा ही मतलब यहाँ पे जो होगा ना, मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में। अर्ग अर्ग क्या है यहाँ पे, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली बोलते हैं, यूनिट सिस्टम बोलते हैं। चलो अब ये इस कैसे आया, मान लो तुम्हें पूछा ये किसके 10^5 डेन के बराबर कब होगा, 10^7 अर्ग के बराबर कैसे आएगा, ये तुमको बताने के लिए बोल रहा था। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, चलो चेक करते हैं। चलो देखो, तो यहाँ पे थोड़ा अब मान लो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं, मान लो ए नंबर कि एक न्यूटन बराबर क्या होता है, 10^5 डाइन के बराबर। ये हमको पता है, ये ऐसा यूनिट सिस्टम, ये क्या, सीजीएस। तो बताओ तो ये फोर्स का न्यूटन, अब फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स का थोड़ा हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम निकालना चाहते हैं फोर्स का डायमेंशन। अभी जस्ट मैंने पढ़ा था क्या होता है फोर्स का, MLT-2 डायमेंशन, MLT-2। यानी इसका अगर यूनिट लिखना चाहेंगे तो बताओ यूनिट क्या लिख सकते हैं हम। ये एम क्या है यहाँ पे, मास तो किलोग्राम, लेंथ क्या है लंबाई को मीटर में, टाइम को किस में रखते हैं यहाँ पे हम, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट, दिस इज द डायमेंशन। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट न्यूटन का, जो यहाँ पे न्यूटन अगर मान लो इसमें क्या करेंगे डायमेंशन वाइज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, MLT-2। इसका भी डायमेंशन क्या रखेंगे यहाँ पे हम, MLT-2। सही है, इसको इसका यूनिट अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताओ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, तो किलोग्राम है क्योंकि ये ऐसा यूनिट का बात कर रहे हैं, तो मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में। जबकि सीजीएस का बात करते हैं, हमको पता डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है, तो मास को किस में लेंगे, ग्राम में। लेंथ को किस में लेंगे बताओ, सेंटीमीटर में। और टाइम को किस में लेते हैं, सेकेंड स्क्वायर में। इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, ऐसे करना। तो जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना, पहले दोनों का डायमेंशन लिख दो, फिर दोनों का क्या करो, यूनिट में कन्वर्ट कर दो। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सुनो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक टर्म यहाँ पे और करना चाहेंगे। देखो ये 1 न्यूटन बराबर 10^5 डाइन है, तो हम इसको हम ना एक नाम ले लेते हैं यहाँ पे, हम N1 बोल देते हैं, 1 नंबर को, नंबर को हम N1 बोलेंगे, और यहाँ पे न्यूटन की जगह पे हम U1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10^5 एक नंबर है तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, N2 लिख लेते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, यूनिट है, डाइन क्या है यहाँ पे, सीजीएस यूनिट है, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, U2 ले लेते हैं। दोनों का यहाँ पे क्या मान लेते हैं, बराबर है, N1 U1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 U2 लिख सकते हैं। सही है, हमको चाहिए ये वैल्यू, अभी दिया हुआ नहीं है, मान लो मैंने ऐसे ही रख लिया था 10^5, ये कुछ दिया हुआ नहीं है, हमको निकालना है कि 10^5 के बराबर होता है या नहीं। अब क्या करना, तुम देखो तो यहाँ पे हम इसको ना, हम M1 मान लेते हैं, M1, इसको L1, इसको क्या मान लेते हैं T1, इस नंबर को क्या मान लेते हैं हम लोग M2, इसको मान लेते हैं हम L2, इसको क्या मान लेते हैं यहाँ पे हम T2 मान लेते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं हम ऐसे। अब बताओ तो N1 इंटू U1 के जगह पर ये लिख सकते हैं क्या, देखो तो यहाँ पे M1 L1 T1 का पावर 2 बराबर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, N2 इंटू यूनिट, इस यूनिट का डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिख ले, M2 L2 T2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2। सही है, मैंने क्या किया, 1 न्यूटन का डायमेंशन, न्यूटन का डायमेंशन मैंने लिख लिया, डाइन का डायमेंशन, जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो मैंने लिख लिया, मैंने वैल्यू चेंज कर दिया, M1 रख दिया, L1 रख दिया, T1 रख दिया, यहाँ पे M2 L2 T2, क्योंकि दोनों का यूनिट सिस्टम, यूनिट क्या है, अलग अलग है, तो मैंने लिख सकते हैं ऐसे। अब मैंने बोला N1 कर लो, N को U1 कर लो, और इसको क्या कर लो N2, इसको क्या कर लो U2। तो कुछ टर्म को इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बताओ तो यहाँ पे हम किसको ऐसे लिख सकते हैं, हम N1 by N2 बराबर M1
एन वन बाई एन टू, इसको मैंने इधर ले आया, तो उधर ऊपर क्या बचेगा देखो तुम्हारा, एम टू क्या बचेगा उधर देखो, तो एम टू एन वन डिवाइडेड बाई एन टू, तो इसको लिख सकते हैं हम एम टू, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एन वन दिया हुआ है ना, हमको एन टू चाहिए ओवरऑल। सुनो, हमको चाहिए ये एन टू का वैल्यू चाहिए, तो हमको एन टू निकालना है। एन टू निकालना तो बचे है क्या मेरे पास, मान लो एन वन, ये जो दिया हुआ था हमारा, एन वन दिया हुआ रहेगा हमेशा, तभी तो इसको निकालेंगे हम यहाँ से। तो एन वन इसे कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं, एम वन इसको नीचे ले आए इधर, हम ये टर्म नीचे आएगा, एन टू तभी तो निकलेगा, एन टू निकालना तो ये टर्म नीचे लेना पड़ेगा। तो एम वन डिवाइडेड बाई एम टू ये क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पे एल वन डिवाइडेड बाई एल टू ये क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पे टी वन डिवाइडेड बाई टी टू, अब पावर माइनस टू है, यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा माइनस टू, सही है। अब बताओ तो अब सबको क्या करो, यूनिट पुट करो, एन वन का वैल्यू दिया हुआ कितना है वन के बराबर, तो वन यहाँ पर रख लेते हैं, इन टू एम वन, एम वन एम वन क्या है बताओ, आप सबका क्या करो, सबका यूनिट पुट कर देते हैं यहाँ पर, डायमेंशन मैंने सबको नोट कर लिया इस तरीके से, अब सबका यूनिट रख लेते हैं। बताओ एम वन किसको मैंने माना था, किलोग्राम को, तो यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ क्या रख लेंगे किलोग्राम। एम टू किसको माना था देखो, तो यहाँ पे ग्राम को, तो ये क्या हो जाएगा नीचे में ग्राम, कोष्ट बंद कर दो यहाँ पे। एल वन बाई एल टू, एल वन कितना था यहाँ पे मीटर के बराबर, डिवाइडेड बाय एल, एल टू यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर के बराबर। टी वन, टी वन यहाँ पे क्या हो सेकेंड स्क्वायर, तो टाइम को ऐसे रहने दो, सेकेंड स्क्वायर एस का पावर माइनस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एस का पावर माइनस टू। अब वैल्यू पुट कर देते, देखो तो यहाँ पे वन इन टू, एक किलोग्राम बराबर तुम लोगों को पता होगा 1000 ग्राम के बराबर होता है, यहाँ पे क्या रख लेंगे हम 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम। मीटर क्या बोलते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा अपने आप यहाँ से। अब देखो तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो 10 के पावर 3 या 10 के पावर 2 कितना हो जाएगा बताओ, तो 10 के पावर 5 किसका वैल्यू आ गया यहाँ पे, एन टू का वैल्यू आ गया, यानी एन टू बराबर कितना हो जाएगा 10 के पावर 5 है। तो आज से हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है कितना, 10 के बराबर 10 के पावर 5 10 के बराबर होता है। तो ये जब मान लो एग्जाम में ना क्वेश्चन जब तुमको 2 नंबर 3 नंबर में जब पूछेगा या 5 नंबर पूछेगा, तो इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना है, इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। तो 1 न्यूटन बराबर से याद रखना, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है 10 के पावर 5 डाइन। या अगर मान लो कि कभी एग्जाम में ऐसे करे क्वेश्चन ये नहीं दिया हुआ, तो इन शॉर्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं पता है, इसको एन वन मान लो, इसको यू वन मान लो, इसको एन टू मान लो, इसको क्या मान लो यहाँ पे यू टू मान लो, एन टू का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा एन वन यू वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताओ, तो यू टू। और सबका यूनिट पुट कर देना यहाँ पे, SI यूनिट पुट करना, CGS यूनिट पुट कर देना और सॉल्व कर देना, यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। यू वन का यूनिट, यू टू का यूनिट रख देना, यहाँ पे सॉल्व कर देना आ जाएगा, जैसे मान लो अपना सॉल्व कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और हम करना चाहेंगे, देखो तो इसको नोट कर लेना। अब हम क्या करेंगे देखो सुनो, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डैन को मैंने प्रूव किया है, तो सिमिलरली हम प्रूव करेंगे क्या 1 जूल बराबर क्या होता है 10 के पावर 7, और इसको भी प्रूव करेंगे। ये हमारा SI यूनिट सिस्टम, ये क्या है हमारा CGS यूनिट सिस्टम सेकेंड नंबर। तो हम डायमेंशन के हेल्प से ये मैंने इसको प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ठीक है। चलो चलो इन शॉर्ट में हम निपटा देते हैं उसको, ठीक है, था देख लेना, फास्ट में बताएंगे उसको। चलो सेकंड नंबर बात करते हैं हम, 1 जूल बराबर क्या प्रूफ के नाम को 10 के पावर 7 अर्घ, ठीक है। हम इसको क्या मान लेते हैं बताओ, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं एन वन, इसको क्या मान लेते हैं यू वन, इसको मान लेते हैं एन टू, इसको क्या मान लेते हैं यहाँ पे हम यू टू। हमको क्या निकालना है, ये हमको निकालना है कितना किसके बराबर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, और नहीं दिया हुआ तुमको रहेगा हमको पता है। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे एन टू का वैल्यू, तो एन टू का वैल्यू कब निकालेंगे हम, तो एन वन इंटू यू वन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे यू टू, तो यहाँ से हम एन टू का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये एन वन क्या होगा, तो एन वन दिया हुआ किसके बराबर, यहाँ पे वन के बराबर है, इंटू क्या यू वन का वैल्यू दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, यू वन की जगह पर क्या लिखा हुआ डायरेक्ट जूल लिखा हुआ है यहाँ पे, और नीचे क्या यू टू की जगह पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अर्ग लिखा हुआ है। अब इस सबको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पर देखो तो जूल, जूल किसका यूनिट होता है बताओ, तो वर्क का यूनिट होता है, वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है बताओ, तो अभी जस्ट देखा था मैंने एम एल टी माइनस टू,
और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर टाइम, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, लेंथ लंबाई एल, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसका डायमेंशन हो गया। एम यहाँ पे क्या बताओ, मास, तो मास को किस में लेते हैं हम, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट सिस्टम, मास का क्या हो जाएगा, मास का किलोग्राम, लेंथ का क्या लेते हैं, लेंथ का, लेंथ का स्क्वायर क्या होता है मीटर स्क्वायर, टाइम का क्या हो जाएगा एस का पावर माइनस टू, ये डायमेंशन है हमारा, जबकि ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका यूनिट, ऐसा यूनिट हो जाएगा। अब हम अर्घ का बारे बात करेंगे, तो अर्घ का भी क्या होगा बताओ, जो डायमेंशन, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन हमारा इसका होगा, क्योंकि ये ऐसा यूनिट सिस्टम है, ये क्या हमारा सीजीएस यूनिट सिस्टम है। तो बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्घ बराबर इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पे मास को किस में लेंगे, ग्राम में, इसको लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पे अब क्या हो जाएगा एस का पावर माइनस टू, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो वन इंटू जूल, जूल वाला यूनिट यहाँ पर रख दो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस का पावर माइनस टू, नीचे में क्या है अर्घ, अर्घ क्या क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एस का पावर माइनस टू, एस के पावर माइनस टू से ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या देखो तो यहाँ पे किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ओवरऑल तो वही आ गया ना, ग्राम बाय किलोग्राम बाय ग्राम, मीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करो, एक किलोग्राम में क्या करते हैं हम लोग, टेन के पावर थ्री की थ्री ग्राम बोलते हैं, डिवाइडेड बाय ग्राम इंटू मीटर को क्या बोलते हैं, और सौ सेंटीमीटर यानी टेन के पावर टू सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर, ओवरऑल क्या मीटर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा टेन इसका पावर, इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। तो बताओ ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो बताओ क्या बचा हमारा, टेन के पावर थ्री, टेन के पावर थ्री इंटू यहाँ पे क्या बचा, टेन के पावर टू का पावर टू कितना हो जाएगा, टेन के पावर फोर, यानी क्या हो जाएगा दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टेन के पावर सेवन। तो आज से याद रख लो, एक जूल बराबर किसका, किसके बराबर होता है वो दस के पावर सेवन अर के बराबर होता है, ठीक है। चलो इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम आगे हम बात करेंगे, धन्यवाद।